वैशाली जिला के कटारोपी थाना क्षेत्र के बस्ती सरसिकन पंचायत में एक युवक की हुई निर्मम हत्या में हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने अनुमंडल पुलिस कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मृतक के पिता ने पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अब हत्यारों की गिरफ्तारी के बदले उन्हें धमका रही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो अनुमंडल पुलिस कार्यालय के पास हम लोग आत्मदाह। वहीं लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शीघ्र पुलिस से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। दस को हमारे पुत्र की हत्या की गई, निर्मम हत्या किया गया और आज तक पुलिस प्रशासन उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं की। एक उसी दिन गिरफ्तारी करके और लिपापोती करने में लगी हुई। थाना पर जाते हैं तो केस का आईओ और थाना प्रभारी उल्टे हमको धमकाते। एक दिन मैडम से मिलने आए तो बोला कि DSP के यहाँ जाते हो, उल्टे धमकाता थाना प्रभारी। तो कैसे हुआ था आपका लड़का का हत्या? हम दीपावली छठ हम हाजीपुर आते हैं, दीपावली छठ के में छुट्टी में आया था हमारा लड़का और हम भी आए थे और हम उसको बोल के गए कि बेटा जाके सब्जी ले आना चौक पर से। तो हमारा साला का लड़का भी रहता है, साथ में रखते थे उसको भी, वो भी था। अब गया और बीच में उसको घेर के उसका हत्या कर दिया। कैसे हत्या हुआ जी? हत्या कैसे हुआ? चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दिया गया उसको। क्या किन्हीं लोग से विवाद भी था? किसी तरह का कोई विवाद नहीं, हम गांव में रहते ही नहीं था। पुलिस प्रशासन को इतना तक बोले कि आप मेरे अब्सेंटी में पूरे वेरीफाई कर लीजिए कि हम गांव में रहते, आज तक एक सप्ताह नहीं रहे गांव में। उसके बावजूद हमसे किसी का कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी तरह का कुछ नहीं, ऐसे ही मार दिया उसको। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग है कि पूरा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, उसका नहीं गिरफ्तार उसका कुर्की किया जाए तो जीने का सहारा ही नहीं है, इंसाफ नहीं मिलेगा। TSP साहब के और कार्यालय के सामने आत्महत्या कर लेंगे हम तीनों अपराधी, हम और हमारी वाइफ आग लगा के मर जाएंगे TSP साहब के और कार्यालय के सामने अगर हमारा न्याय नहीं मिला तो। अच्छा, DSP साहब से एक दिन मिलने आए, DSP मैडम बड़ा बाबू को फोन किया, उसके बाद दरवाजे पर जाकर उल्टे बड़ा बाबू और केस की आई है उल्टे धमकाता है कि DSP के मैडम क्या DSP क्या जाते हो, उल्टा हमसे उल्टा पुल्टा बोलते रहता है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पैसा लेके मिले हुए हैं, रसूखदार लोग हैं, पैर भी पहुँच वाला लोग है, तो उससे पैसा लेके मिला हुआ है, बड़ा बाबू का आईओ से मिला हुआ है और DSP मिले हुए हैं, तभी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, 20 दिन हो गया।